मैं इब्रार साहब के बारे में क्या कहूँ, इसको मैं शायद आप में से अक्सर लोगों से पहले मैं जानता हूँ। हमने इकट्ठे अफगान डिवीज़न में काम किया था, फिर अफ़गानिस्तान में इनकी पोस्टिंग हो गई कंदहार में, और मैं इधर ही मिनिस्ट्री में अफगान डिवीज़न के साथ मुंसलिक था, तो उधर भी हमारा रब्ता था। नफीस तो ये है, आप सब जानते हैं, इंतहाई नफीस, शरीफ आदमी, कम गो। लेकिन जो रुस्तम ज़मान निकले इनका मुझे पता नहीं था। होशियार तो है माशाल्लाह, बहुत ही काबिल है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लिखते हैं, लेकिन जो लिखारी वाला काम था वो हमें पहले पता नहीं था। मुझे पहली मर्तबा पता चला जब ये किताब इनकी छपी, जब बना मेहनत कर रहे थे मटेरियल कलेक्ट करने, तो जहमत की मेरे साथ भी एक नशिस्त की, तो हमने भी कुछ बातें की, उससे अंदाजा था। लेकिन बहरहाल जब किताब मेरे पास इन्होंने भेजी तो यकीन करें मैंने शायद एक दो दिनों में ख़त्म कर ली किताब। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, कुछ तो मेरे ज़माने की थी, डायरेक्ट वास्ता था, खासकर दो वाक़यात का फिर जिक्र करूँगा। लेकिन इसमें उनके अलावा मैं इस बात से बड़ा इम्प्रेस हूँ इब्रार साहब का, कि इब्रार साहब ने न सिर्फ अपनी सफारतकारी वाला जो मटेरियल है उसको कलेक्ट किया, बल्कि अफ़गानिस्तान के तमद्दुन, अफगानिस्तान के कस्टम ट्रेडिशंस, अफगानिस्तान के कल्चर, अफगानिस्तान के जोग्राफी के बारे में हर एंगल से तकरीबन उन्होंने बहुत ही शाइस्ता तरीके से उसको कवर किया। मुख्तसर अल्फाजों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कवर कर ली, या बकौल शख्स समंदर को कुजे में बंद कर लिया। खासकर मुझे उसे बड़ा मज़ा आया पढ़ते हुए, इन्होंने जो मुला उमर की बात कही थी, मशहूर ज़माना कि मुला उमर के पास फैसल अल तुर्की साहब आए थे, या तुर्की अल फैसल, तो उसामा बिन लादन के बारे में लंबी कहानी में मुख्तसरन अर्ज़ कर लूँ, उन्होंने कहा कि उसामा को हमारे हवाले करो। उस दिन इतफाक ऐसे था कि मैं भी कंदहार में था लेकिन किसी और मिशन पे, तो मुझे कहा गया था कि उनके साथ चलो, लेकिन बहरहाल उसके साथ नहीं गया, अलग गया, लेकिन पता था कि कौन वहाँ मिलने के लिए गया। तो जब मुलाकात ख़त्म हुई तो उस वक़्त के जो शारजे थे इधर इस्लामाबाद में, कुछ अच्छा सा नाम था, फौत हो गए, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहानी बताई, ये उसकी बताई हुई कहानी में आपको यहाँ भी उसी तरह रिपोर्ट माशाल्लाह हुआ है कि मुला उमर के पास जब ये आ गए साहब तो उसने कहा कि उसामा को हमारे हवाले कर लो, क्योंकि तुमने पहले शायद वादा किया था। लेकिन उस वादे पे मेरा इख्तलाफ है। तालिबान ने कम अज़ कम मेरे सामने, मैंने बहुत सारी मीटिंगें इस सब्जेक्ट के बारे में अटेंड की है, मुला उमर से लेके नीचे मुला जलील तक या लेवल तक, हर लेवल पे वो यही बात करते थे कि इसके बारे में अगर तुम्हारे पास सबूत है अमेरिका के पास तो वो दे दे, हम उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, लेकिन सबूत के बगैर नहीं। तो फिर एक मीटिंग यहाँ इस्लामाबाद में उन्होंने कहा, एक टेप रिकॉर्ड टेप ले आए थे कि ये आप देख ले, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा आप देख ले, बहरहाल देख ली। तो दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये जो आपने हमें टेप दी इसके सिलसिले में हमारे एक दो रिजर्वेशन है, तो उन्होंने कहा जी बताइए, तो उन्होंने कहा इसके अंदर जो आपने लिखा है वो आपके कानून के मुताबिक सजा उस पर दी जा सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो इंडाइटमेंट है, इंडाइटमेंट पे तो हम सजा नहीं देते। तो उसने कहा कमाल है, अपने कानून में आप सजा नहीं देते और हमसे आप कहते हैं कि आप ये मान लें कि सच है। तो वो हमेशा ये तकरार करते थे कि कोई सबूत थे, कोई सबूत है, बहरहाल सबूत तो न दे सके। तो उन्होंने तुर्की ने जब उससे कहा कि हमारे हवाले कर लो, तो उन्होंने कहा हमने तो वादा नहीं किया, तो सुना है कि ये कड़े हो गए और फिर ऐसी ज़मीन पर पटक दी कि मैं फिर तुम्हें बताऊँगा कैसे। उन्होंने कहा, उठ के कड़ा हो गया, बाहर चला गया मुला उमर। तो वापस जब आया, बाहर गड़े के पास गया, गड़ा उठा के सिर पर पानी फेंका और वापस आया, जब बैठ गया तो उसके बालों से पानी पीछे टपक कर आया, लेकिन बैठ गया।
तो जो बात मुझे होशारजे ने बताई दैट इज एन आई ओपनर, तो उसने अपने गुस्से को बाकी तो काबू कर लिया, लेकिन उसको कहा कि वल्लाहे अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद जिंदा होते तुम्हारे मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम लोग हरम शरीफ के करीब ना होते, दरवाजा खुला है। तो उस पर मजलिस उनकी बर्खास्त हो गई, फिर बहरहाल उन्होंने अपना नाज़िमुल उमूर भी वहाँ से वापस बुला लिया, डाउनग्रेड कर लिए। और दूसरा वाक़िया वो काबुल की इसरार साहब ने बड़ी अच्छी तरह से कवर की है, हर एंगल से। मैं कहता हूँ मुल्ला उमर से भी पहले इनकी अफगानिस्तान के साथ वास्ता रहा है, इनके वालिद वहाँ पढ़ाते थे तो ये खुद भी वहाँ गए थे उस वक़्त, तो ही न्यू अफगानिस्तान मच बिफोर दी मुजाहिदीन एंड दी तालिबान सोवियत और अमेरिकन इन्वेजन। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ज़बरदस्त अच्छे तरीके से इन्होंने अहाता किया। और एक वाक़िया और हमारा मुश्तरिका था, हमें अशरफ गनी साहब ने इनवाइट किया, कोई 5-6 आदमी थे पश्तून डेलीगेशन, आई डोंट नो मुझे किस खुशी में बुलाया, बहरहाल आई वॉज वन ऑफ देम। तो जब वहाँ हम पहुँचे तो शाम को मुझे अबरार साहब याद आए, मैंने कहा अबरार साहब को इम्पॉर्टेंट विजिट है तो ही शुड नो कि क्या हो रहा है। तो अबरार साहब से फ़ोन किया, उन्होंने जिक्र भी किया, उसका जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें हमारी डिप्लोमेसी और अफगानिस्तान के डिप्लोमेसी फ़र्क आप देख लें। हमने कहा अशरफ गनी साहब को, कोशिश की मनाने की, वो जब 2014 में इधर आए थे तो बड़ी तवक्कुआत के साथ उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, फिर वो नाराज़ हो गए। फिर उसने हार्ट ऑफ एशिया के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस था 2015 में, उसने नहीं आना था, और पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी उसको भी नहीं जाना था कि वहाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाएगी, नहीं जाता। तो खैर हमें बुलाया, हम बैठ गए, कोशिश की, मिन्नतें की, वो मान गए, कहते अच्छा ठीक है मैं पेरिस जाता हूँ, नवाज शरीफ से मिलता। अब यहाँ पे मसला क्रिएटेड, मसला बाय आर ओन फॉरन ऑफिस। थोड़ी देर बाद अबरार भाई आ गए कि इन्होंने जाहिर बात है यहाँ कन्वे किया, कम्युनिकेशन हो गई, वापस टेंशन इस पे क्रिएट हुआ कि अशरफ गनी कहाँ आएंगे, कहाँ मिलेंगे। तो अशरफ गनी का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था वो भी हमारे साथ उधर बैठा था, तो उसने अबरार साहब को कहा कि आप उनको इतला कर लें कि जिधर भी वो कहे अशरफ गनी आने को तैयार है, अभी से मसला तो ना बना लो कि वो कहाँ है, वो आएंगे, हम जाएंगे, किस जगह जाएंगे, किस टाइम पर जाएंगे। उन्होंने कहा जो जगह वो कहे हम जाने को तैयार है। तो ये कई चीज़ें होती है कि आप जाहिर बात है अगर चाहें भी तो उस तरह नहीं कह सकते, उसके रिपरकशन होते हैं, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। तो बहरहाल बाकी चीज़ें अबरार ने बड़ी ज़बरदस्त कवर की है, मुला उमर की मीटिंगें मैंने बहुत सारी की है। फिर एक दिन कोशिश की कि उनको रिकॉल कर लूँ कि वो क्या क्या बातें डिस्कस होते रहे। जाहिर बात है शुमाली इतिहाद के खिलाफ उनका जंग था, तो मुझे सिर्फ एक बात आखिरली वाली अच्छी तरह याद है, बाकी ऑनेस्टली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खासा धुंधला सा किस्सा हो गया। तो हमने आखिरी मीटिंग में उनको बहुत मनाने की कोशिश की कि आप आके इंजीनियर अहमद शाह मसूद के साथ, वो पहले मान गए थे कि मैं मुला उमर के नीचे काम करने को तैयार हूँ अगर वो मुझे पंजशीर चलाने दे। तो हम दुशंबे से सीधा कंदहार आ गए, उनको जब ये बात की तो इन रिस्पांस में उन्होंने वो आयत सुनाई कि ये फितना है और फितने को ख़त्म करने का तरीका यही है कि इन सबको ख़त्म कर लो। लंबी बहस हुई कोई 3-4 घंटे के बाद, फिर कुछ बात बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने मुल्क में हालात बिगड़ गए, नवाज शरीफ को हटा दिया और मुशर्रफ साहब ने वो मीटिंग ही डिसकंटिन्यू कर ली, वो शटल डिप्लोमेसी। तो इब्रार साहब की किताब में मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई कि जो मेरे ज़माने में उस वक़्त हुई थी, जाहिर बात है मुला उमर के साथ, तालिबान के साथ, फिर उसके बाद अशरफ गनी और इन लोगों के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है, ये बोलते कम है लेकिन जानते बहुत ही ज़्यादा है।
तो मेरा ख्याल है इनकी किताब उन मुहक्किकीन के लिए, उन लड़कों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो अफगानिस्तान जानना चाहते हैं उसके बारे में भी बहुत मुफीद होगी, और सीनियर सफारतकारों के लिए भी इसमें खासी मटीरियल है। पाक अफगान रिलेशन पे भी बहुत अच्छा लिखा है, अफगानिस्तान इंडिया के रिलेशन पे बहुत अच्छा लिखा है, इंटरनल डायनामिक्स बड़े अच्छे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। तो विद दीज वर्ड्स मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारक कहता हूँ, और बड़ी खुशी हुई कि इनके किताब को देखा और पढ़ा। अल्लाह और कामयाबी दे।